व्हाट्स अप गाइस, एक और वीडियो, मस्त वीडियो जिसमें हम देखेंगे संबित पात्रा सर वर्सेस आशुतोष। तो डिबेट वीडियो होगी, थग लाइफ काइंड ऑफ वीडियो होने वाली है। साथ में करते हैं एंजॉय, सैवेजियत की सीमाएं नहीं होती, मस्ती होती है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक। बाय कर रहा था मैं तो यार। 1 2 3 लेट्स गो। भारत की जमीन पर चुपचाप बैठा हुआ है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। हकीकत यह है कि आज हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है गलवान वैली को, हाँ या ना आशुतोष जी? संबित पात्रा राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोलेंगे तो उनको सख्त किया जाएगा। आर्मी ने दे दिया है चाइना को, धिक्कार है आशुतोष जी के ऊपर। आप उस समय भी दरबारी पत्रकार थे और अभी भी दरबारी हैं। सोनिया गांधी के चमचे हैं, चमचे तो भैया बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जान लुटा देंगे। आशुतोष को धमकी देने की हिम्मत मत करिएगा, दरबारी पत्रकार है। मैं भी बोलूंगा ये क्वीन विक्टोरिया के चरणों में लेटा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है संबित पात्रा और संबित पात्रा के अनुसार दरबारी पत्रकार आशुतोष के बीच में। दोस्तों चाइना के सैनिकों द्वारा की गई घुसपैठ को लेकर चल रही डिबेट में आशुतोष ने बीजेपी पे आरोप लगाया कि जब से बीजेपी की सरकार आई है चाइना ने भारत की जमीन पे कब्जा कर लिया है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों उसके बाद संबित पात्रा ने इन पत्रकार महोदय की ऐसी लताड़ लगाई कि इस डिबेट के बाद इन्हें नींद नहीं आई होगी। दोस्तों वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर। अब तक पूछेगा तो मालूम है, देख लेना सर। बुनियादी सवाल ये है कि बीजेपी की जो सरकार राष्ट्रवाद की बात किया करती थी, आज चीन जो है वो आपके गलवान वैली में पूरी तरीके से घुस गया है, जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। उस जगह पे उसने बड़ा कैंप बना लिया है, हेलीपैड उसने बना लिया है, चूमर पे बना लिया है, आपका जो दौलती बेग ओल्डी है उसको डोमिनेट कर दिया है, डेस्पांग से उसने दूसरे रास्ते से आपको कर दिया है। भारत की जमीन पे चुपचाप बैठा हुआ है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। हकीकत यह है कि आज हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। 1967 के अंदर जब चीन ने हिमाकत की थी तो भारत की सेनाओं ने 400 चीनी जवानों को मौत के घाट उतारा था, भारत के 88 गए थे। उसके बाद चीन ने कभी हिम्मत नहीं की थी घुसने की। 1986 में भी चीन ने करने की हिमाकत की थी, उस वक्त भी उसको जबरदस्त जवाब मिला था। आज भारत की सरकार और बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो क्यों बैठ कर एक राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं कहते? इसका मतलब क्या है? भारत के सैनिकों को आप दरअसल बता रहे हैं कि वो LAC क्रॉस करके उधर गए थे और फिर उनके ऊपर गोली लगी थी। मतलब आप देश का मजाक उड़ा रहे हैं। उनसे 10 सेकंड का एक सवाल पूछ लूं, आपकी अनुमति लेके पूछ लूं। 10 सेकंड का एक सवाल, अनुमति लेके लेके। आशुतोष जी, आपने बहुत कुछ कहा, मैंने ध्यान से सुना। आशुतोष जी, आपका मानना है कि भारत की आर्मी ने, मतलब भारत की मिलिट्री ने गलवान वैली को और DSDBO रोड को ये सब सरेंडर कर दिया है, वो हमारे अब इंडिया के पास नहीं है, वो चाइना के पास चला गया। आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है गलवान वैली को, हाँ या ना आशुतोष जी? संबित पात्रा जी, आज की हकीकत ये है कि गलवान वैली में चीन की सेना है। आशुतोष जी एक सेकंड, आप बड़े हो चुके हैं, मेरा सवाल आपसे व्यवहार मत करिए, ध्यान से सुनिए। आशुतोष जी डायरेक्ट सवाल था कि क्या मिलिट्री ने गलवान वैली सरेंडर कर दिया है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? आपके हिसाब से सरेंडर कर दिया है? मैं जवाब दे रहा हूं आपका आपका क्या कहना है? मिलिट्री ने, इंडियन आर्मी ने गलवान वैली सरेंडर कर दिया है? मैंने बहुत संबित पात्रा राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोलेंगे तो उनको सख्त किया जाएगा। वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 1962 में भारत झूठ बोलेंगे। मैंने आपसे जवाहरलाल नेहरू हारे तो कौन सी मैदान था कि मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है? उसके लिए आपने कहा मिलिट्री ने अभी सरेंडर कर दिया है, इसका आप स्पष्टीकरण दीजिए।
आशुतोष जी 1962 में देश हारा था, ये किसी व्यक्तिगत उसकी बात नहीं है, लेकिन मेरा बीजेपी जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराती है। ठीक है आशुतोष जी, अभी ये बताइए आपको लगता है कि जवाहरलाल नेहरू के कुछ हिस्से को, एक सेकंड सर, जो सवाल उन्होंने पूछा आप जवाब दीजिए बाकी। ठीक है, बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, ये आदमी हर दिन शाम को आके झूठ फैलाता है। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए चित्रा जी, अभी इन्होंने कैसे बोलूंगा जल्दी से, ये भी पीछे बोलते हैं। देखिए अभी आशुतोष जी ने कहा ना कि डीएसडीबीओ रोड पूरा का पूरा गलवान वैली चला गया है हमारे हाथ से, मतलब आर्मी ने दे दिया है चाइना को। धिक्कार है आशुतोष जी के ऊपर, इनको किस पर, इनको केवल सोनिया माता पे ही भरोसा है, इनको आर्मी पे भरोसा नहीं है, धिक्कार है। अरे आशुतोष जी आप पे धिक्कार है, धिक्कार। ये सोनिया माता के चरणों में लेटने के कारण आप जो अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं ना, जाओ जाके लेटो वहाँ पर। आप दरबारी पत्रकार थे और अभी भी दरबारी है, आप उस समय भी दरबारी पत्रकार थे और अभी भी दरबारी है। सोनिया गांधी के चमचे है, चमचे सोनिया गांधी जी की दरबारी है और इसीलिए इंडिया के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें। संबित पात्रा वर्सेस आशुतोष, ये डिबेट नहीं बने, अब मैं चर्चा में आगे बढ़ूं। कमजोर आर्मी कैसे बोला, कैसे बोला इन्होंने इंडिया की आर्मी कमजोर आर्मी है, घुटने टेक देती है इंडिया की आर्मी ने सरेंडर किया है, हमने गलवान वैली चाइना को दे दिया है, डीएसडीबी रोड हमारे हाथ से चला गया है। अगर मेरी आर्मी के खिलाफ ऐसा कोई भी बोलेगा तो भैया हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जान लुटा देंगे मगर जवाब दे के छोड़ेंगे। अगर मेरी आर्मी के खिलाफ ऐसा इसने बोला तो मैं भी बोलूंगा ये दरबारी पत्रकार है, मैं भी बोलूंगा ये क्वीन विक्टोरिया के चरणों में लेटा हुआ है, मैं भी बोलूंगा कि चाइनीज एम्बेसी से जो पैसा आया था उनको इन पैसे से हिस्सा मिला है, तभी ये चाइना के फेवर में बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है आप हमारे मिलिट्री के खिलाफ बोलेंगे और बीजेपी सुन लेगा? सुन लीजिए आप, बीजेपी के कार्यकर्ता है, अभी बिल्कुल चित्रा जी ने सही कहा था, राष्ट्रवादी पार्टी से है भैया, राष्ट्रवादी पार्टी से। जो देश के मिलिट्री के खिलाफ बोलेगा, आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा बोलेगा, खून की दलाली जैसे शब्द का इस्तेमाल करेगा, बोलेगा कि हमारी मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है, हम उसकी भी पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल के रखेंगे। आशुतोष को धमकी देने की हिम्मत मत करिएगा। नहीं सुन लिया मैंने, आपने आर्मी के खिलाफ ही कहा था, आपने जब कहा कि गलवान वैली सरेंडर हो गया, उसका अर्थ क्या है? गलवान वैली कौन सरेंडर करता है? कोई बीजेपी का प्रवक्ता जाके सरेंडर करता है? गलवान वैली सरेंडर हुआ मतलब मिलिट्री हार गई। मैं आ जाती हूँ चित्रा जी, आप कह रहे थे ये बीजेपी का प्रवक्ता धमकी दे रहा है, इसकी इतनी हिम्मत हो गई है? आप कह रहे थे मतलब क्या धमकी दे रहे हैं? हमने बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी भाई तो बवाल नहीं रहे, कुछ कुछ भी कभी सेंसिटिव टॉपिक छेड़ा इन्होंने। पहली बात तो कि आर्मी में सर आर्मी के ऊपर जाओगे भैया हर एक आदमी, वो चीज होगी, वो चीज ऐसी है बॉट। और मतलब थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कई बार ना ऑफ टॉपिक भी हो जाते कई चीजें, ऑफ टॉपिक, यहाँ टॉपिक की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो गया धमकी चल रही है, धमकी दे रहे हो मुझे, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन भैया देखो सीधी सी बात है, आर्मी के ऊपर कोई नहीं सुनेगा, मतलब ये वाली बात हो जाती है कि आप मनोबल कमजोर कर रहे हो अपनी आर्मी का, देश की। एक बार उनके सामने बोल के देखते, वो जवाब तो भी बहुत तगड़े से हैं। गौरव मैं तो ये कहूंगा भैया देखो कि हमारी जो आर्मी है ना बहुत हार्ड कंडीशंस में काम करती है बहुत, और हम तो बैठे बैठे डिबेट में कुछ भी कह देते हैं, चीजें पता भी नहीं थी, उन्होंने कहते रोड भी दे दिया, बोलावाली भी दे दी, सब कुछ दे दिया, हर एक चीज। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा एक रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए इन टॉपिक्स में सबसे पहले। पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिशियन कितने ही बड़े लेवल पे हो, कितने ही बड़े, ठीक है, लेकिन आर्मी के लिए जो रिस्पेक्ट आर्मी की है ना भैया, वो कभी पॉलिटिशियन के लिए होंगी लेकिन आर्मी से ऊपर मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो जिस तरीके से जान ऐसे लेके चलते हैं ऐसे, वो बात आती है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, वीडियो कर दें लाइक जितना हो सके शेयर, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।